हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक्वेरियम फ़िश कीपिंग में मौली फ़िश को पढ़ रहे हैं। तो मौली फ़िश में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉमन कैरेक्टर्स और उसके बाद पढ़ेंगे हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ऑफ मौली फ़िश। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कॉमन कैरेक्टर्स। तो कॉमन कैरेक्टर्स में सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम फैमिली। तो मौली फ़िश जो है वो पोइसिलिएडी फैमिली से बिलोंग करती है। फैमिली के बाद अब हम देखते हैं मौली फिश का साइंटिफिक नेम। तो मौली फिश का साइंटिफिक नेम पोइसिलिया है। साइंटिफिक नेम के बाद अब हम मौली फिश का कॉमन नेम देखते हैं। तो कॉमन नेम जो है मौली फिश का मौली फिश ही है। इसके बाद फर्स्ट लोकेशन ऑफ मौली फिश। तो फर्स्ट लोकेशन का मतलब है यहाँ पर कि जहाँ पर सबसे पहले मौली फिश मिली थी। तो मौली फिश की जो फर्स्ट लोकेशन वो है सेंट्रल और साउथ अमेरिका। तो फर्स्ट लोकेशन की बात अब हम देखते हैं हैबिटेट ऑफ मौली फिश। तो जहाँ पर ये मौली फिश रहती हैं, तो मौली फिश जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो रिवर्स हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद हैबिटेट के बाद अब हम देखते हैं मेन फूड ऑफ मौली फिश, यानी कि मौली फिश जिसे ज़्यादातर खाती है। तो मेन फूड ऑफ मौली फिश में आते हैं एल्गी, इंसेक्ट और ब्लड वर्म। इसके बाद अब हम देखते हैं डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मौली फिश, यानी कि जो फीचर मौली फिश को अलग करता है। तो इसमें लार्ज साइज फिन मिलता है जो मौली फिश को अलग करता है। इसके बाद अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ मौली फिश। तो मौली फिश जो है वो 5 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं लाइफ स्पैन, यानी कि जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो 3 to 5 ईयर की होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका स्किन टाइप। तो मौली फिश जो होती है उसमें स्केल्स मिलते हैं। और लास्ट में इसमें देखते हैं मौली फिश का कलर। तो मौली फिश जो होती है वो कई रंग की होती है, इसमें ब्राउन, येलो, रेड, ब्लू, ऑरेंज कलर शामिल हैं। ये एक एक्वेरियम फिश है और जो ये नो फॉर दियर पीसफुल और काम नेचर, यानी कि ये जो है पीसफुल और काम नेचर के लिए जानी जाती है। तो इसके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ऑफ मौली फिश। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो होता है उसका मतलब होता है कि मौली फिश में मेल और फीमेल जो होती हैं वो अलग अलग किस तरह की होती हैं। तो जो मेल मौली फिश होती हैं वो आकार में फीमेल मौली फिश से छोटी होती हैं, जबकि फीमेल मौली फिश जो होती है वो आकार में मेल मौली फिश से लंबी, पतली और अधिक गोल होती हैं। इसके बाद देखते हैं हम कि मेल मौली फिश जो होती है वो फीमेल मौली फिश की तुलना में अधिक आकर्षक व चमकीली होती है। और इसके अलावा मेल मौली फिश जो होती है उसमें एक स्पेशलाइज्ड एनल फिन मिलता है, जिसे कि गोनोपोडियम कहा जाता है। गोनोपोडियम जो होता है वो फीमेल मौली फिश में स्पर्म को डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। इन सब के अलावा जो मेल मौली फिश होता है उसमें फीमेल मौली फिश की तुलना में बड़े पंख मिलते हैं। सो ये था सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ऑफ मौली फिश। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।